नमस्कार ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 15-4 तक, भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 15 का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने 15-4 तक पिछली क्लास में देखा था, आज हम देखेंगे 15-5 के बारे में कि 15-5 भी, जैसे कि मैंने बताया था कि 15-4 भी मूल संविधान में नहीं था, इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वैसे ही 15-5 भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। 15-5 क्या कहता है? 15-5 कहता है इस अनुच्छेद की यानी कि आर्टिकल 15 की या आर्टिकल 19(1)(g) की कोई भी बात राज्य को किनके लिए? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने से मना नहीं करेगी। किन के लिए मना नहीं करेगी? किस जहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं में जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर प्रवेश से संबंधित मामले हैं वहाँ पर सीट एलोकेट कर सकती है, चाहे वे संस्थाएं राज्य द्वारा अनुदानित है चाहे वे गैर अनुदानित है, यानी कि चाहे वे सरकारी है या चाहे वे प्राइवेट है। सरकार क्या कर सकती है, राज्य क्या कर सकता है इन वर्गों के लिए, SC ST के लिए और SC BC के लिए उनमें सीटें आरक्षित कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, उसकी मनाही नहीं है। ये भी क्या हो गया, 15-5 क्या हो गया, 15-1 का क्या गया, एक प्रकार का अपवाद हो गया, क्योंकि 15-1 तो मना करता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन 15-5 क्या कर रहा है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके प्रवेश के संबंध में इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। 19(1)(g) क्यों लिखा गया इसके अंतर्गत, क्योंकि 19(1)(g) क्या करता है, एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल, जैसे कि 19 हमें पता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, उसके अंतर्गत जी कहता है वृत्ति व्यापार और जीव का की जो भी स्वतंत्रता हमें दी गई है बिजनेस करने की। अभी क्यों आया, क्या ऐसा रीजन आ गया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला था निर्णय को प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसको जोड़ा गया था, उसको हम देखते हैं केस के द्वारा। TMPI फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2002 सुप्रीम कोर्ट के मामले में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो खैरातीय लाभ के प्रयोजन के लिए जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाती है उसका अधिकार किस में आता है, धंधे की श्रेणी में आता है। धंधा कर दिया, बिजनेस वर्ड आ गया तो किससे संरक्षित हो गया, आर्टिकल 19(1)(g) के द्वारा उसको संरक्षित कर दिया गया। यदि सरकार क्या करती है, राज्य यदि सीटों को आरक्षित करती है इनके अंतर्गत तो इनकी स्वायत्तता का गंभीर उल्लंघन है। इस प्रकार क्या कर रहा है, ये युक्तियुक्त निर्बंधन जो दिए गए 19 के अंतर्गत, ये रीजनेबल जो प्रोहिबिशन है प्रतिबंध रीजनेबल नहीं है। तो क्या हो गया, कोई भी प्रकार की सरकार क्या कर सकती है, राज्य किसी प्रकार का कोटा अलॉट नहीं कर सकती इस 15-5 को जोड़ने से पहले। फिर इस्लामिक अकेडमी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक 2003 में, PA नामदार वर्सेज महाराष्ट्र राज्य 2005 में भी क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है चाहे वे अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो तो सरकार या राज्य क्या कर सकती है, उनमें किसी भी प्रकार की नीति निर्धारित नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है, उनकी स्वयं का कार्य वो स्वयं ही कर सकते हैं, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है सीटों के एलोकेशन करने के संदर्भ में। तो इनमें TMPI फाउंडेशन हो चाहे इनामदार हो चाहे इस्लामिक एकेडमी हो, इनमें कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका जो ये अधिकार चलाते हैं स्थापना है वो एक व्यापार की श्रेणी में आती है और व्यापार में वो इंटरफेयर नहीं करवा सकते, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो सरकार क्या कर सकती थी, अब किसी भी प्रकार की सीटें अलॉट नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मनाही कर दी गई थी कि 19(1)(g) में उनका अधिकार संरक्षित है वृत्ति व्यापार और उपजीविका के अंतर्गत। तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए 93 संविधान संशोधन के द्वारा 15-5 जोड़ा गया, जैसे कि हमने देखा कि 19(1)(g) क्यों लिखा गया, क्योंकि वो उसको प्रभावी न कर सके और किनके संबंध में है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, कोई भी नीति निर्धारित की जा सकती है, तो इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था। उसके बाद जो 93 संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज भारत संघ 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को क्या माना गया था, संवैधानिक घोषित कर दिया गया था और इसके लिए इस प्रावधान को लागू करने के लिए संसद ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम 2008 6 मार्गदर्शित किया,
जिसमें उच्च शिक्षा के अंतर्गत एससी एससी के लिए क्या 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 था 15%, एसटी के लिए 7.5% और एससी बीसी के लिए 27% क्या की गई थी, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और इसको अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज भारत संघ ने क्या कर दिया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल के सिद्धांत को एससी एसटी पर लागू नहीं किया जा सकता है। और ये सारा निर्णय पांच न्यायाधीशों की बेंच में दिया, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति के जी बाला कृष्णन भी शामिल थे, सी के ठक्कर साहब शामिल थे, अभिजीत पसाय जी शामिल थे और आर पी रामचंद्रन शामिल थे, जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। लेकिन एक में ये बात आई कि आरक्षण की व्वस्था की जा रही है, तो पीवी इंद्रसेन वर्सेस भारत संघ के मामले में स्पष्ट किया गया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 50% जो 50% न्यूनतम योग्यता है, तो कम से कम ओबीसी के लिए 45% की योग्यता रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 95 जोड़ा गया और समय समय पर जो चलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा आरक्षण उचित है या कौन सा संवैधानिक है, इस पर चर्चा चलती रहती है। जहाँ भी अवैध कार्य होता है वहाँ पर न्यायालय हस्तक्षेप करती है। अब बात आती है 15/6 की। 15/6 भी मूल संविधान में नहीं था, यह भी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा 124वां संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया था और ये जनवरी 2019 में भी लेटेस्ट यह जुड़ा है, नया अमेंडमेंट हुआ है। किसके लिए हुआ है, बात हुआ कि वह है 15/4 और जो 15/5 हम पढ़ते हैं कि क्या दे रहा है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंध के लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहा है या उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने से राज्यों को मना नहीं करता है। अब ये स्पेशल प्रोविजन या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित व्यवस्था किसके लिए दी जा रही है, 15/6 के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से उच्च जाति के जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। क्योंकि 15/6 क्या कहता है, इस अनुच्छेद की या आर्टिकल 19 की कोई भी बात जो उच्च जाति के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान करता है, तो पहला क्लोज उसमें भी क्या कहता है कि इन वर्गों के लिए क्या बना सकता है, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रोविजन बना सकता है स्पेशल। सेकंड क्या कहता है, वही बात कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित, लेकिन इसके अंतर्गत कह रहा है कि जो 15/4 और 5 के अंतर्गत जो भी वर्ग दिए गए हैं उनके अलावा इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा, इनकी सीटों के एलोकेशन में उनका रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उनके लिए अलग से कोटे का आरक्षण किया जाएगा। और वो कोटा कितना डिसाइड किया गया है, 10% डिसाइड किया गया है शैक्षणिक संस्थानों में। और ये भी कहा गया है चाहे वे शैक्षणिक संस्थाएं चाहे राज्य द्वारा अनुदानित है या गैर अनुदान, यानी कि चाहे एडेड है या सरकार से या अनएडेड है, लेकिन क्या करना है उनको, इन वर्गों के अतिरिक्त आरक्षण देना है 10% का। अब वही कि दुर्बल वर्ग किसको माना जाए, तो इसमें डिफाइन किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या जिनके कुछ जो सरकार क्या कर सकेगी, समय समय पर डिसाइड कर देगी कि कौन किस प्रकार का उन्हें आवश्यक दिया जाए, कि सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में दे दिया। हम 16 में भी पढ़ेंगे तो 15/6 तो किसकी बात कर दी, शैक्षणिक संस्थाओं की, और 16 बात करता है नौकरियों में प्रवेश के संबंध में 10% आरक्षण की। दुर्बल वर्ग को भी डिसाइड कर दिया है कि कौन सा होगा जो सरकारें हैं समय समय पर अधिसूचित करेगी, किसके आधार पर, उनकी जो ग्रॉस सैलरी है और जो भूमि है उनके संबंध के आधार पर उनको डिसाइड किया जाएगा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर या दुर्बल वर्ग के अधीन आते हैं या नहीं आते हैं। जो ये चल रहा है EWS क्या कर दिया गया, 10% का आरक्षण इसके अंतर्गत दिया गया है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और काफी केसेस जा रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट उनको सॉल्व कर रही है या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी होता है देखते हैं। लेकिन इनको क्या किया गया, 15/6 को जोड़ा गया है। कुल मिलाकर आर्टिकल 15(1) से लेकर हमने 6 तक पढ़ा है, तो ये क्या हो गई, आर्टिकल 14 के, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आर्टिकल 15 के या 14 के एक समता के नियम का एक विशिष्ट उदाहरण है, वैसा ही हो रहा है कि 15(1)(2) के बाद 3 तक जो भी चल रहे हैं वो अपवादों के रूप में चल रहे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की छूट दी गई, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया गया है, जिससे कि सभी एक धारा में आ सके और सबका चौमुखी विकास हो सके। इसलिए हमें जो फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।